सीहोर जिला वफ कमेटी सीहोर की साधारण आम सभा का आयोजन केयू कुरेशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिले के पदाधिकारी गण, सदस्य गण और पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम अहमद उपस्थित थे। हिफ्जुर रहमान, उपाध्यक्ष कलीम पठान, दोराहा सचिव अब्दुल वाहिद खां, कोषाध्यक्ष शहादत खान जावर, सादिक मेव इच्छावर, सनवर खां आष्टा और जफर लाला सीहोर और अन्य जिले के सदस्यगण सम्मिलित थे। शमीम अहमद पूर्व अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के संबंध में किए गए कार्य और प्रगति से अवगत कराया और विचाराधीन मामले के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला वफ कमेटी ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि भोपाली फाटक मस्जिद मैदान में सार्वजनिक अस्पताल निर्माण और लाल मस्जिद सीहोर के मैदान में सामुदायिक भवन और आधुनिक मदरसे के निर्माण के संबंध में 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि मध्य प्रदेश वफ बोर्ड, सेंट्रल वफ बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश शासन से मांग की जाए। इसके अतिरिक्त सर्वसहमति से ये भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जिले के वफ मस्जिद कब्रिस्तान कमेटियों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, उनके स्थान पर नई कमेटियों का गठन किया जाए। और सर्वसम्मति से ये भी प्रस्ताव पारित किया गया कि ईदगाह मस्जिद और कब्रिस्तान वफ भूमियों पर अवैध कब्जे के संबंध में सीमा कराकर कब्जा लेने के प्रशासन से कार्रवाई की जाए। संवाददाता चांद मिया की रिपोर्ट। मेरी ज्यादातर जिला वक्फ कमेटी का अध्यक्ष रहा, धर्मपाल भाई वगैरह सबको मालूम है मेरी इसके अंदर बुराई जितनी भी हुई। जिला वक्फ कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मेरी व्यक्तिगत आज तक किसी से कोई बुराई नहीं, मैंने गलत चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करा और मैं जिला वक्फ कमेटी नहीं बनी है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल का जो रिकॉर्ड मुझसे चाहिए और जो जांच, मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये प्रस्ताव करूंगा कि शमीम अहमद के कार्यकाल की जांच करी जाएगी। तो एक तो कलीम भाई और जितने भी मेंबर हैं, एक तो माशाल्लाह आप इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि आपको महीने दो महीने साल दो साल में सीहोर जिले का सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा चोर घोषित कर दिया जाएगा। ये वक्त का काम करने में के अंदर ये उपहार कौन जरूर देती है, लेकिन अपन काम करें सिर्फ अल्लाह के लिए। अपन सिर्फ ये हाजिर नाजिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इंशाल्लाह आप काम करोगे तो सच्चाई आई ना कर कभी ना कभी सामने आती है। ये बिल्कुल नहीं छुपती। आपका मकसद वक्फ प्रॉपर्टियों की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना होना चाहिए। बाकी इसके अंदर कई बार ऐसे गरीब भाई बोल आएंगे, आपके परस्पर संबंध वाले, ताल्लुकात वाले, उनसे भी आपकी बुराइयाँ होंगी, दूरी होंगी, तो उन सबका मुकाबला आपको करना है। और मुझे और मेरी जब भी जिला वक्फ कमेटी के लिए आधी रात को भी इस कमेटी की जरूरत होगी, इसके हक के लिए इंशाल्लाह 24 घंटे आपके साथ हूँ। अल्लाह हाफिज़।